अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश राश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां और कामयाबियां आपका और मेरा हम सबका मुकद्दर हो, आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको रमजान शरीफ की ढेरों ढेरों मुबारकबाद, और होपफुली आपके सब रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे और मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दें, और हमेशा अपने घरों में खुशबाश खुशहाल हंसता बसता रखें। अल्लाह ताला आपके रिस्क को वसी करें, आपके दस्तरखान को वसी करें, और आपके किचन को हमेशा सात रंग के खानों से हरा भरा रखें, आमीन सुम आमीन। आप अपनी दुआओं में मुझे खास शामिल रखें, मुझे मेरी पूरी फैमिली को, अल्लाह ताला मेरे भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, मेरे वालदेन को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और मेरे भाइयों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएं। सीरियसली बहनें जो होती हैं ना वो भाइयों पे जान छिड़कती हैं, तो मेरी तो लाइफ जो है ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी उम्र मेरे बहनों भाइयों को और लगा दें और बहुत खुशियां अता फरमाएं। और कहते हैं कि कभी कभी हंसते चेहरों के पीछे बहुत राज होता है, और मेरा चेहरा जो है वो हमेशा आपको स्माइल करता हुआ मिलेगा, क्योंकि मेरा स्माइली फेस है, तो मैं हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रखती हूँ और मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। तो जो हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई राज होता है, तो आप जो है अपनी दुआओं में मुझे खास शामिल रखें। मेरा एक एम है, मेरी फाउंडेशन का जो लेके मैं चल रही हूँ, आप लोगों ने प्यार और अप्रिसिएशन इसी तरह से शो करनी है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वही मेरी बात कि एक नोबल कॉज के लिए मैं काम कर रही हूँ, उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, और मैं हमेशा आपको उसी पे बोलती हुई नजर आऊंगी, और एफर्ट भी बहुत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मुझे इसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने देना है। और यही कहूंगी कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे m.i फैशन कलेक्शन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मनपसंद होम बेकरी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल खुशी फाउंडेशन को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज पे, उस पर सारी मेरी एक्टिविटीज हैं जो जो मैं काम कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है आप कॉन्ट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं कि m.i फैशन कलेक्शन पे आप जाइए, ज्वेलरी बाय कीजिए, और उसमें से 20% जो है वो फाउंडेशन को डोनेट किया जाएगा। आप लोगों की प्यार की एप्रिसिएशन की जरूरत है। आज के व्लॉग में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, और अच्छी सी एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक टिप शेयर कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी। आपने 1 लीटर मिल्क लेना है, नेस्ले का ले सकते हैं, ऑलपर का ले सकते हैं, और साथ ही आपने 1/2 कप शुगर लेनी है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेमनियों की रेसिपी, बहुत ही ईजी एंड क्विक है। जो लोग एग बॉयल करना जानते हैं वो ईज़िली ये बना लेंगे। सो ये जो पार्ट, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि बहुत ही ईजी और क्विक ये रेसिपी है। ये जी बुंदू खान की मैंने फेमनियाँ ली हैं, और बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। आप सहरी और अफ्तार दोनों में ही खा सकते हैं। कुछ लोग इसको गरम गरम खाना पसंद करते हैं, और कुछ थोड़ा सा ठंडा करके खाते हैं, तो आपको जिस फॉर्म में पसंद आप खा सकते हैं। सो ये जी एक मैंने लेयर ले ली है, और उनको तोड़ लिया है एक बाउल में, और अब मैं बॉयल किया हुआ जो मिल्क है उसमें ये ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स में इसको पकाऊंगी धीमी आंच पे। और जैसे ही बॉयलिंग आना शुरू होगी और दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू होगा, तो समझ लें कि आपने जो फेमनियाँ बनाई हैं वो रेडी हैं। बहुत ही इजी एंड क्विक है, बहुत ही चंद चीज़ें चाहिए जो घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, लाइक मिल्क, शुगर, अगर आप इलायची के कुछ दाने भी या पाउडर भी ऐड करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता। सो ये जी फेमनियाँ जो हैं वो तैयार हैं। इस पॉइंट पे आप इसका स्टोव जो है वो ऑफ़ कर दीजिए, और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब जी मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की डिलीशियस, बहुत कम वक्त में रेडी हो जाती हैं। आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं, और ठंडा भी आप इसको खा सकते हैं, और इवन गर्म भी खा सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म्स में ही ये अच्छी लगती हैं। और जैसे कि रमज़ान शरीफ है, तो आप ये सहर और अफ्तार दोनों में ही खा सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और टिप ये है कि आप सहर में लाजमी लस्सी और दही का इस्तेमाल करें, इससे ये होगा कि आपको सारा दिन प्यास नहीं लगती, और
जो दूध की कमी है वो पूरी करती है। सो अगर आप फेमिया भी खाएंगे तो ज़ाहिर है उसमें दूध है, और दूध और दही लाजमी लेना चाहिए। सो ये जी फाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत और डिलिशियस बनी और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ होंगी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ख़ास शामिल रखिएगा, मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और m.i फैशन कलेक्शन मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसे फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।